सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, बड़ी संख्या में लाखों स्टूडेंट्स जो हैं सीबीएसई के, वो भारी मुसीबत में आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के एक गलत डिसीजन के वजह से, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सही समय पर कोऑर्डिनेशन नहीं करने की वजह से। दूसरे स्टेट्स के साथ में लाखों स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो कैरियर है वो दाव पे लग गया, उनके एकेडमिक जो एडमिशंस हैं, सेशंस हैं, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। गाइस, बहुत बड़ा अपडेट है और प्लीज सपोर्ट ईच अदर। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बिकॉज अगर आप एक दूसरे की बात नहीं उठाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जब खुद का प्रॉब्लम आएगा तब भी कोई साथ नहीं देगा। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी यहां पे कुछ चीजें मेरे पास में आई हैं, कुछ बच्चों ने मेरे से ये चीजें शेयर की, तो मैं आपके साथ में ये चीज शेयर कर रहा हूं। ये यहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं, ये लीडिंग न्यूज चैनल है और यहां पे एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया है। बच्चे जो हैं वो अभी आपको पता है, सबको पता है कि क्लास टेंथ का जो है एग्जाम खत्म हो गया, ट्वेल्थ का एग्जाम भी खत्म ऑलमोस्ट हो गया, रिजल्ट निकलने में अभी टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट जो स्टेट्स है ना, उन्होंने अपना हरकत सब शुरू कर दिया है, एकेडमिक न्यू सेशन जो है वो शुरू कर दिया है। अब बच्चों के सामने में मुसीबत है यार, वो करें तो करें क्या, है कि नहीं, उनके लिए मुसीबत हो गई है। जैसे कि यहां पे कर्नाटका का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्लासेस शुरू हो चुके हैं प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, वो भी तब इवन एज सीबीएसई स्टूडेंट्स अवेट रिजल्ट। यहां पे रिजल्ट अभी बाकी है और यहां पे जो कॉलेजेस हैं उन्होंने एडमिशन शुरू कर दिया। अब ये कितना बड़ा ये एथिकली रॉन्ग है मैं आपको बता दूं। यहां पे देखिए कि ये कहीं ना कहीं जो है ये वायोलेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट लीड्स। देखो, ये वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एज इट लीड्स टू डिनायल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। भाई, एक कॉलेज में या कहीं पर भी क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलना चाहिए? जब सीबीएसई का रिजल्ट नहीं निकला है तो कैसे एडमिशन मतलब ऑन हो सकता है, क्लासेस ऑन किया जा सकता है? यहां पर ये बात जो है ये बात उठा रहे हैं काफी सारे जो एक्टिविस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमियंस हैं, वो लोग बात उठा रहे हैं कि भाई यहां पे स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वो चीज नहीं हुआ। अब यहां पे देखिए, कुछ बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, यहां पे न्यूज में भी आया है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज में भी, कि सीबीएसई रिजल्ट्स नॉट येट डिक्लेयर्ड बट कॉलेजेस आर सेइंग एडमिशंस क्लोज्ड। एडमिशन क्लोज करने की बात हो गई है, तो क्या आपके स्कूल में भी या कॉलेज में भी ऐसा आपको जवाब दिया है, ये आप लोग मुझे बताओ। और भाई, यहां पे मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं तमाम कॉलेजेस से ऑफ ऑल द स्टेट्स कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा वेट कीजिए, उनके लिए सीट्स को रिजर्व करके रखिए। ऐसे तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे। अभी रिजल्ट निकला नहीं है और रिजल्ट निकलने में कितना टाइम बाकी है, और यहां 9 जून से ही क्लासेस शुरू हो चुका, तो बच्चे क्या करेंगे? सीबीएसई वालों का क्या पढ़ाई छूटेगा? नहीं है ना। और उनका मनपसंद जो चॉइस है, जो एक हर एक स्टूडेंट का एक होता है, यार मुझे फलाना में एडमिशन लेना है, ठीक है, वो उनका जो है वो बिल्कुल छूट जाएगा। यहां पे देखिए, मैं दिखा रहा हूं, मैं ये देखिए हुबली का ये यहां पे अपडेट है, ठीक है। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैव स्टार्टेड क्लासेस फ्रॉम जून 9 इन द स्टेट्स एज पर द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑर्डर। ऑलमोस्ट ऑल सीट्स स्पेशली इन साइंस स्ट्रीम हैव बीन फिल्ड एट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। साइंस स्ट्रीम के सारे सीट्स फुल हो गए, तो बच्चे क्या करेंगे? मिल के आवाज उठाओ बच्चों। यहां पे सीबीएसई को बहुत बड़ी गलती मैं मान रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था अदर स्टेट्स के साथ में भी, कि भाई हमारा रिजल्ट आ रहा है, हमारे बच्चों के लिए रुको। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी आना चाहिए था, बट नोबडी डिड। प्लीज सपोर्ट इच अदर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि सबके लिए वेट करें, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। अभी के लिए बस इतना, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं, वेट एंड वॉच फॉर दोज थिंग, ठीक है, उनको देखना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।